नमस्कार देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। जी हाँ, हर खबर तो आपको हर कोई दिखा देगा, लेकिन ऐसे आपका हित छिपा हुआ है जो सिर्फ जी न्यूज ही आपको बताएगा। 20 बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। धनतेरस की वजह से दिल्ली गुरुग्राम रूट पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। 6 किलोमीटर, हालत देखिए आप। जी हाँ, घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली के महिपालपुर से गुरुग्राम के उद्योग विहार तक ये जाम लगा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहे हैं, 6 किलोमीटर लंबा ये जाम, आप अंदाजा लगा लीजिए समय लोगों पर क्या बीत रही होगी। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। अगर आप भी ये रास्ता लेने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, लंबा 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। लंबा जाम धनतेरस की वजह से। फेस्टिवल चल रहा है, अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है। और ये दिल्ली गुड़गांव का जो हाईवे है, यहाँ पर टोल भी है, जो टोल फ्री इन्फेक्ट कर दिया गया है, और काफी टोल लगता नहीं है। हाँ, और अमन, ये काफी बिजी इलाका भी है, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ जो हैं, टैक्सी भी हो या लोगों के निजी वाहन भी हो, अक्सर इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। और आज धनतेरस का त्यौहार भी है, और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जिम्मेदार संवाददाता आलोक का, आलोक उपाध्याय का। आलोक, आपके पास और क्या डिटेल्स है? क्या इस समय कुछ स्थिति बेहतर हो पाई है, क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा लंबी गाड़ियों की कतार। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि आज वर्किंग डे होने के साथ साथ जो आज हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार जो धनतेरस है, उसको लेकर लोग गुरुग्राम से सामान खरीदकर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे। उसी बीच अचानक जो वर्किंग डे होने के साथ साथ कंपनियों से भी छुट्टी हुई थी, और ऑफिस में रहने वाले लोग वो भी अपने घर की तरफ रुख कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जाम लग गया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो जवान है वो भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि जो गुरुग्राम पुलिस है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है उनकी गलती कारण ये जाम लगा हुआ है, क्योंकि जो जाम का ओवरलोड है वो दिल्ली की तरफ ज्यादा है, इसलिए गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में बचती नजर आ रही है। क्योंकि जो बॉर्डर के आसपास जितने भी इलाके हैं, उद्योग विहार है, इसको सब संकर चौक तक पूरा जाम लगा हुआ है। जी आलोक, आलोक अगर आप बता पाइए कहाँ से लेकर कहाँ तक जाम है, जो वसंत विहार वाला जो कट होता है, क्या वहां से जाम शुरू हो गया टोल तक, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाम है और किन रास्तों को अवॉइड किया जाए? जी देखिए, दिल्ली की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो एक रास्ता जो इफ्को चौक की तरफ से जाता है, तो वहां तक इफ्को चौक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसी टाइम वहां से लेकर और दूसरी और दिल्ली रजौकरी तक जाम लगा हुआ। वहीं हम दूसरी तरफ की बात करें जो उद्योग विहार से भी दिल्ली की तरफ हम निकलते हैं तो वहां भी जो बॉर्डर पड़ता है वहां भी पूरा जाम लगा पड़ा था। यहां का जो ट्रैफिक पुलिस है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे हमें लग सकता है हमें इस जाम को खुलवाने में। जी शुक्रिया आलोक। तो 1 से 1.5 घंटे की बात कही जा रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली, आप हो सके तो इस रूट को अवॉइड कीजिए।